तरफ तो स्टार्स ये जताते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से छुपाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ किसी ना किसी तरीके से वो पूरी दुनिया को अपने बारे में बताते हैं और फिर बन जाते हैं भोले। अब ऐसे पब्लिसिटी स्टंट को कोई क्या बोले। मलिका शरावत ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया और ऐसा करने के लिए उन्होंने हॉलीवुड कनेक्शन को एक बार फिर से इस्तेमाल किया। वैसे जनरली तो मलिका मीडिया से कम इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी हॉलीवुड एक्टर एंटोनियो बंदेरास के साथ क्लिक की गई उनकी पिक्चर को वो खुद ही पब्लिसाइज करती हैं। फोटो आउट होने के बाद न्यूज आई कि एंटोनियो की मैरिड लाइफ पड़ गई है मुश्किल में एंड द लेटेस्ट बज इज कि मिस शरावत एंटोनियो के साथ पेरिस में हॉलीडे के लिए जा रही हैं। इन सभी न्यूज रिपोर्ट्स के आने के बाद मलिका शरावत ने कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन इन बातों से अनजान बनकर ये जता दिया कि वो खुद ही काफी सरप्राइज्ड हैं ऐसी खबरों से। जैसे उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसी न्यूज कहां से आ रही है। लेकिन तभी मलिका के एक फ्रेंड ने उनकी और एंटोनियो के पेरिस में साथ होने की बात को कन्फर्म भी कर दिया। अब भले ही मलिका बार बार अनजान बनने की कोशिश करे, लेकिन सच तो ये भी है कि फोटोज और सोर्सेज के थ्रू मीडिया तक खबर शायद वही पहुँचा देती है और फिर खुद हैरान भी हो जाती है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सीक्रेटिव रहने वाले शाहिद कपूर भी मीडिया से अपनी प्राइवेट बातें छुपाने का दावा करते हैं। शाहिद कपूर ने पहले तो ये कहा कि वो अपने बर्थडे को लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके क्लोज फ्रेंड्स ने शाहिद की बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स लीक कर दी और इन्हीं के थ्रू ये बात भी सामने आ गई कि नरगिस फखरी एंड शाहिद आर अपेरेंटली गेटिंग क्लोजर। लो प्रोफाइल बर्थडे पार्टी को भी मिल गया इतना एक्सपोजर, बट शाहिद क्लेम टू बी इनोसेंट ऑल अबाउट दिस। बट हाउ डिड मीडिया नो अबाउट इट? शाहिद वाजंट टू श्योर। Few months back, hottie Bipasha Basu microblogging site पर ये रोना रो रही थी कि अपनी private birthday party की video के internet पर leak होने से वो बहुत ही upset हैं। वैसे video को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि किसी ने hidden camera से वो clipping निकाली है। Rather, it was evident that the video was shot by one of Bipasha's guests. इसका मतलब तो यही है कि शायद बिपाशा के किसी फ्रेंड ने ही ये क्लिपिंग रिवील किया है। अब जब पार्टी को प्राइवेट रखना ही था तो बिपाशा को अपने दोस्तों से ये बात बता देनी चाहिए थी। यही नहीं, जूम के एक रिपोर्टर को भी विप्स ने मैसेज करके ये न्यूज दी थी दैट शी इज ब्रोकन अप विद जॉन और बाद में कहा कि वो मैसेज उनकी एक गलती थी। अपनी शादी के टाइम रितेश और जनीलिया भी यही कहते नजर आए कि वो अपने ग्रैंड वेडिंग को प्राइवेट रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी संगीत, शादी और वेडिंग रिसेप्शन कब और कहां है इसकी पूरी डिटेल्स मीडिया तक पहुंच ही गई। शादी में गेस्ट ने मीडिया से बात तो की ही, साथ ही रितेश और जनीलिया ने भी बाहर आकर मीडिया को किया एड्रेस। सो दैट्स हाउ दे केप्ट द वेडिंग डिटेल्स अवे फ्रॉम द प्रेस। क्या सच में स्टार्स इनोसेंट होने का नाटक करके खुद ही पब्लिसिटी के लिए मीडिया में अपनी खबर फैलाते हैं? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शॉटी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हे सुप्रीत, ऑलवेज माय प्लेजर। सबसे पहले ये बताओ कि क्या आजकल मीडिया बहुत सैवी हो गया है कि वो खुद स्टार्स की इनसाइड इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं, दे रियली गुड एट देयर जॉब, या फिर ये स्टार्स खुद ही फैलाते हैं? यू नो सुप्रीत, आई थिंक बेचारे स्टार्स इतने दुखी हो गए हैं कि मीडिया इतना शार्प हो गया है एंड दैट एवरीबॉडी इन द मीडिया राइट फ्रॉम लाइक यू नो द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट टू द रूकी रिपोर्टर, दे ऑल बिकम सो शार्प एंड डायनामिक एट देयर जॉब कि बेचारे स्टार्स कुछ भी नहीं लीक करते और फिर भी सब कुछ हमारे पास, हमारे ऑफिस में पहुंच जाता है। तो ऑब्वियसली जो दिखता है वो है नहीं है एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मीडिया को ऐसी डिटेल्स मिले कि जैसे किसी स्टार का बर्थडे है और पार्टी घर पे हो रही है और उनके 8-10 गिने चुने फ्रेंड्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, वो भी वीडियो पर। सो इट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल एंड द फैक्ट दैट स्टार्स थ्रू देयर सोर्सेज विच आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स लीक करवा रहे हैं, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आप जब भी न्यूज़पेपर में भी कुछ पढ़ते हो तो वहाँ पर सोर्स कौन होता है? यू नो, कोई भी स्टार होगा जिसकी स्टोरी होती है उनका बेस्ट फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड, अ वेल विशर, यू नो, अ सोर्स रियली क्लोज टू द स्टार रिवील। तो ऑब्वियसली स्टार को पता है कि ये फ्रेंड या ये सो कॉल्ड सोर्स कौन है हु इज क्लोज टू देम एंड द स्टार्स आर नॉट अपसेट विद देम, विच मीन्स स्टार्स ये खुद प्लांट करते हैं जो इनके मोल्स हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, कि जो इनकी खबर फैलाते हैं और जो कन्वीनियंट हो वो बाहर बताते हैं। But what do you think is the reason behind that strategy?
I think sometimes they just want the publicity and they don't know how to do it. कई बार एक ego issue आ जाता है कि हम सामने से publicity कैसे मांगें, और एक image की बात होती है कि चलो हम बताते हैं कि we are very reclusive and we want our privacy, and also जब उन्हें फिर privacy चाहिए हो, you know, when it's convenient, तो privacy मांगने का हक बनता है. But at the same time उन्हें कभी publicity चाहिए होती है, they have to be in the limelight, या समझो किसी rival का birthday अच्छा हो गया or something like that, then they leak it out. I mean the simple example, आपने शिरावत की बात की यहाँ पे, एंड यू नो देर आर पिक्चर्स एंड देर आर स्टोरीज ऑफ हर जहाँ पे उन्होंने एंटोनियो बंडेरास की मैरिज में ट्रबल क्रिएट किया है. अफकोर्स बिचारी मलिका इतनी इनोसेंट है, आपको क्या लगता है वो चाहती कि ऐसी खबर बाहर निकले? येस, बिकॉज शी इज द काइंड ऑफ पर्सन जो फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं, रेड कार्पेट्स में जाती हैं, और वो फोटोग्राफर्स को पैसे देती हैं, फी देती हैं, टिप देती हैं, ताकि वो जहाँ पे भी किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ खड़ी हों उनकी पिक्चर आ जाए. एंड ये पिक्चर्स वो अपनी क्लोजेट में तो छुपा नहीं रही हैं लॉकर में, शी इज doing it to leak it out to the press and to put it on her microblogging sites. So obviously yahan pe bahut planning aur precision ke sath wo apna prey apna shikar dhoondti hai. Of course ye sab information wo khud dete hain, and something that I'm going to share with you right now jo maine suna hai from reliable sources, and ye baat bahut kam logon ko pata hai, but abhi ek bade director ki bahut hi famous birthday party hui thi jahan pe ek superstar hai aajkal, he's in the news for being linked up with a single actress. Jab press wahan par aayi to they were expecting that star to come there, जिनके साथ ये director का झगड़ा हुआ था और patch up हो गया था. And you know उन्होंने cameras को वहाँ wait करवाया, press को बोला आप रुकिए, आप 12:30 तक रुकिए, आपके लिए एक surprise है. और फिर वो जो star हैं, जो heroine हैं, जिनका चक्कर आजकल एक superstar के साथ supposedly चल रहा है, वो वहाँ पर आई. And then उसके बाद ये director ने जो birthday boy हैं, इन्होंने press को कहा okay टाटा bye bye, अभी आप घर जाइए, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही apparently रणबीर और दीपिका एक साथ एंट्री कर रहे थे. That means when they want to leak it out, it comes out, otherwise it doesn't. नहीं तो हम जैसे लोग यहाँ बिना नाम लिए बेचारे व्यूअर्स को गेस्ट करवाते थे. Well, not so innocent after all, we can say. Yes. Hi, this is Vivan. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.